हेलो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर सीमा मिश्रा फ्रॉम होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज हम जलवायु का वर्गीकरण का पार्ट थ्री पढ़ेंगे। पार्ट थ्री से मेरा मतलब है कि इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है जलवायु के वर्गीकरण पे आपको समझाने के लिए। एक में कोपेन और एक में थॉर्नथ्वेट का जलवायु का वर्गीकरण मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज हम समझेंगे विश्व में जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। ये आपके बीए पार्ट वन के पेपर फर्स्ट के यूनिट फोर का चैप्टर है। तो हम शुरू करेंगे अब जलवायु का वर्गीकरण समझना। विश्व के जलवायु का यदि हम वर्गीकरण देखें तो मुख्य पांच विभाग हैं इसमें और उसके अंदर अलग अलग उपविभाग हैं। पांच विभाग: ए उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी शुष्क जलवायु प्रदेश, सी शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, डी शीतल आर्द्र जलवायु प्रदेश और ई शीत जलवायु प्रदेश। अब है आप देखेंगे उष्णाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य रेखीय जलवायु, इसकी स्थिति 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, उससे ऊपर 5 डिग्री और नीचे 5 डिग्री और जगह है इसकी। मैं आपको मैप एक साथ दिखाऊंगी, अभी मैप में स्थान एक साथ दिखाऊंगी, अभी पहले आप सुन लीजिए कि कहाँ कहाँ पर है। तो अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह और ये सब चीज़ें मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगी। लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं। तापमान का औसत है यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत वर्षा है 2032 मिलीमीटर। वनस्पति में, प्रमुख वनस्पति में आपको वृक्ष महोगनी, रोजवुड, एबोनी और सिंकोना, चंदन, केला ये सब मिलते हैं। जीव जंतु: दरियाई घोड़े, मगर, घड़ियाल ये सब प्रमुख जीव जंतु हैं यहाँ के। और यहाँ पर मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के लिए बागाती कृषि पर की जाती है क्योंकि उसके लिए यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है। रबर, गन्ना, कहवा, कोको, केला, मसाले ये सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। कहवा कॉफ़ी को ही हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद है सूडान तुल्य जलवायु, 5 से 20 डिग्री और 5 से 20 डिग्री। अब यहाँ पर सूडान, ब्राज़ील का मध्य भाग, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया इन सब जगहों पर पाई जाती है इस प्रकार की जलवायु। अब आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, शीत ऋतु का औसत तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा का औसत है 508 मिलीमीटर से 1016 मिलीमीटर। उसके बाद वनस्पति: एलिफेंटा घास प्रमुख है। जीव जंतु में बारहसिंघा, जेबरा, नीलगाय, जिराफ, कंगारू और पशुपालन, कृषि और व्यापार यहाँ पर मुख्य रूप से अपनाया जाता है जीविकोपार्जन के लिए। उसके बाद है तीसरा मानसूनी तुल्य जलवायु। अब इसमें 5 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपों के पूर्वी भागों में आमतौर पर पाई जाती है और हम भारत के निवासी हैं, भारत में भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत के आसपास के क्षेत्र में और भारत में प्रमुख रूप से पाई जाती है ये। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान यहाँ पर 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। जाड़े का औसत तापमान है 17 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा प्रायः ग्रीष्म ऋतु में होती है और साल, शीशम, सागौन, नीम, आम ये सब यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला याक और थाईलैंड के हाथी यहाँ पर इन जो जीव हैं इनकी ये प्रमुख विशेषता है यहाँ की। और चावल, जूट, चाय, गन्ना इन चीज़ों की यहाँ पर कृषि की जाती है। अब दूसरा है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत हम अब आगे पढ़ेंगे जो पार्ट आते हैं उनको। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जितने भी विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं, उष्ण मरुस्थल सहारा हो, कालाहारी हो, एरिजोना हो, अटाकामा हो, विक्टोरिया हो, तो जो भी ये मरुस्थल हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और रात्रि का तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और वन में ताड़ और खजूर पाए जाते हैं और जीव जंतु ऊँट तथा शुतुरमुर्ग यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और ज्वार, बाजरा मोटे अनाज हैं, इन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है इसलिए मोटे अनाज ज़्यादा उत्पादित होते हैं। ज्वार, बाजरा, गेहूँ, कपास उत्पादित होते हैं यहाँ पर। तुरान तुल्य जलवायु की स्थिति है 30 से 45 डिग्री के बीच अक्षांशों के मध्य। यहाँ पर इसको स्टेपी कहा जाता है एशिया में और आपका उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में आप इसको बोलते हैं पंपास बोला जाता है दक्षिण अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है इसको डाउन्स
और अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इसको वेल्स बोला जाता है। अब इसमें इसकी क्या विशेषता है, इसमें गर्मी का औसत तापमान जो होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वर्षा का वार्षिक औसत 508 मिलीबार से लेकर के होता है आगे 508 मिलीबार इसका वर्षा का वार्षिक औसत है। और वनस्पति में कटीली झाड़ियाँ आमतौर पर पाई जाती हैं। और आर्थिक दशा आप देखेंगे तो पशुपालन और शिकार करना और थोड़ी बहुत मात्रा में कृषि करना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। उसके बाद ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश, आप देखिए स्थिति इसकी कब कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 40 और ऊपर पहुँच गया है अक्षांशों के मध्य। आपका ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान ये सब जो जगह है ये इसके अंतर्गत आती है, जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। अब यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का भी कुछ भीतरी भाग इसके अंतर्गत आता है। विषम एवं कठोर जलवायु यहाँ पर पाई जाती है और ग्रीष्मकाल में बहुत गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। कटीली झाड़ियाँ और घासें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ऊँट, घोड़े, भेड़, बकरियाँ ये सब यहाँ के प्रमुख जीव हैं और गेहूँ, मक्का, कपास और तंबाकू का उत्पादन यहाँ पर आमतौर पर किया जाता है। उसके बाद है मध्य अक्षांशीय जलवायु प्रदेश। तो मध्य अक्षांशीय जलवायु प्रदेश में इसकी जो इसका जो जगह है जहाँ पर पाई जाती है तो 30 से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उत्तर भी और दक्षिण भी पाया जाता है। यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है और अधिकांश भागों में सर्दियों में क्या होता है, बर्फ जम जाती है और मार्च अप्रैल में ये बर्फ पिघलने लगती है और उसके पिघलने से कभी कभी यहाँ पर बारिश भी हो जाती है। घास पाई जाती है और कम ऊंची घास पाई जाती है, मुलायम जो गुच्छेदार होती है। जीव जंतु भेड़ बकरी और आपका टट्टू घोड़े ये सब पाए जाते हैं। स्थायी रूप से पशुपालन करना यहाँ का मुख्य आर्थिक कार्य है। अब उसके बाद हम देखेंगे शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। अभी हमने उष्ण आर्द्र के भाग पढ़े, शुष्क जलवायु प्रदेश के भाग पढ़े, अब हम शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग पढ़ेंगे। शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में भूमध्य सागरी, चीन तुल्य और जलवायु प्रदेश क्षेत्र आते हैं और शीतोष्ण के अंतर्गत ये तीन पार्ट है और शीतोष्ण के बाद फिर है शीतल आर्द्र प्रदेश, उसके अंतर्गत दो भाग है सेंट लॉरेंस और साइबेरिया, और फिर शीत उसके अंतर्गत तीन भाग है टुंड्रा, ध्रुवी और पर्वतीय जलवायु प्रदेश। तो हम बारी बारी करके इसको पढ़ेंगे। भूमध्य रेखा सागरी जो जलवायु प्रदेश है ये है भूमध्य रेखा का क्षेत्र, इसके आसपास इनका विस्तार पाया जाता है, कैलिफोर्निया का पूरा तट और आपका देखेंगे हम ध्यान से इसको तो हमें समझ में आएगा, इसके आसपास थोड़ा टर्की का भी एरिया आ जाता है और इस तरीके से जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अलग से आपको दिखेगा ये सब है भूमध्य सागरी जलवायु प्रदेश। इसमें मुख्य रूप से इसमें ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, शीत ऋतु का औसत तापमान 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड और वनस्पति में जैतून, संतरा और अन्य प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। भेड़, बकरी, गाय, बैल यहाँ पर इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और चूंकि फलों का उत्पादन अधिक होता है इसलिए फलों से संबंधित उद्योग भी यहाँ पर ज़्यादा स्थापित किए गए हैं। फलों को डिब्बों में बंद करना, उनका जूस निकालना, उनको सुखा करके प्रिजर्वेटिव डाल करके उनको सील बंद करना, इस प्रकार का काम यहाँ पर किया जाता है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसका विस्तार भूमध्य सागर के प्रदेश के विपरीत पूर्वी तट पर पाया जाता है 30 और 45, ये पश्चिमी तट पर है और ये महाद्वीपों के चीन तुल्य जलवायु प्रदेश पूर्वी तट पर है 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो मध्य चीन, दक्षिण जापान, जापान का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में यहाँ पर ये पाया जाता है। औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा का वार्षिक औसत 762 मिलीमीटर से 1270 मिलीमीटर रहता है। वनस्पति में ओक, लॉरेल, वॉलनट, शहतूत, सिनकोना ये सब पाए जाते हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ उत्पादित की जाती है, प्रसिद्ध क्या क्या चीज़ है, ब्राज़ील का कहवा कॉफ़ी और चीन जापान का रेशम और संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास उत्पादित किया जाता है। उसके बाद यहाँ आप पश्चिम यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश देखिए, दोनों गोलार्धों में 45 से 65 दोनों में, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, मैं पहले भी समझाई हूँ,
जीरो डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार का विस्तार यहाँ पर 45 से 65 में इसका विस्तार पाया जाता है। ब्रिटेन, फिर नॉर्वे, स्वीडन, इन सब में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया द्वीप इसके अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शीत ऋतु का औसत तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के शीत ऋतु का औसत तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वनस्पति ओक, बीच, एल्म, चेस्टनट आदि हैं और सभी प्रकार के उद्योग यहाँ पर विकसित हैं। उसके बाद अब हम आते हैं सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश में। ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। और यहाँ पर उत्तरी जापान का उत्तर वाला भाग और उत्तरी अमेरिका में भी सेंट लॉरेंस के आसपास, जो सेंट लॉरेंस की घाटी के आसपास पाया जाता है ये। और इसके अलावा न्यूफाउंडलैंड वाला जो एरिया है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जुलाई का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड, शीत ऋतु का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। और दक्षिणी भाग में चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, बर्च, ऐश, एल्म, इस ओक, ये सब यहाँ पर मिलते हैं वृक्ष। चीड़, फर और स्प्रूस भी पाए जाते हैं। गाय, भेड़, सुअर, मुर्गियाँ, ये सब पाली जाती हैं। कोयला, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम भी धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी कुछ विकसित हुआ है, पाया जाता है। और साइबेरिया और टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश जो है वो 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। तो उत्तरी कनाडा का उत्तर वाला भाग आप देख रहे हैं, फिर नॉर्वे उधर, स्वीडन और फिनलैंड, सब आसपास वाले एरिया जो है इधर के वो इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड। चीड़, स्प्रूस, फर, सीडार, हेमलॉक, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। गिलहरियाँ और लुमड़ियाँ पाई जाती हैं और लकड़ी काटना और मछली मारना यहाँ पर प्रमुख रूप से किया जाता है क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं। उसके बाद टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश कनाडा में और यूरेशिया बिल्कुल ऊपर में आपके यहाँ इधर पाया जाएगा टुंड्रा, और इसमें भी क्या है, शीत ऋतु का तापमान हिमांक से नीचे, वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, काई तथा लिचेन जैसी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अब उसके बाद है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, वो और ऊपर अंटार्कटिका महाद्वीप में ग्रीनलैंड में पाया जाता है और इसका तापमान हमेशा हिमांक से नीचे रहता है। ये प्रदेश जो है वो सील, वेल, मछलियाँ, पेंगुइन, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। मानव विकास के लिए अनुपयुक्त है, वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है क्योंकि। और पर्वतीय जलवायु वाले प्रदेश जो है इसमें प्रदेशों की जलवायु ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है, वर्षा की मात्रा और सामयिक वितरण के अनुसार वनस्पतियाँ भी अलग अलग पाई जाती हैं। मध्यवर्ती ढालों पर, निचले और मध्यवर्ती ढालों पर ठंडी जलवायु होने के कारण मिश्रित संकुल वन पाए जाते हैं और ध्रुवीय उपध्रुवीय प्रदेशों में कठोर ठंड के कारण जो और हिम के कारण वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। तो ये था जलवायु का वर्गीकरण। शुरू के जो थे, जो मैं आपको बोली थी कि बताऊंगी, मैंने कहा था आपको, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश ये देखिए आप, ये कांगो बेसिन वाला क्षेत्र और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र, ये सब पाया जाता है। और इधर भी आपको ऑस्ट्रेलिया में भी ये दिखाई देगा आपको थोड़ा सा, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इधर देखेंगे आप पूर्वी द्वीप समूह में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलती है भूमध्य रेखीय जलवायु, माफ़ कीजिएगा, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाएगी इधर, यहाँ पे आप देख चुके हैं कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और इधर पूर्वी द्वीप समूहों में पाई जाती है। सूडान तुल्य का भी मैंने आपको बताया था, सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको मैंने बताया था ये इधर अफ्रीका के एरिया में पाई जाती है सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश, इधर अमेरिका में भी पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ भागों में सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश पाई जाती है। मानसून भारत और भारत के आसपास के एरिया में मानसून जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में मैंने आपको बताया ही था कि ये आप देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, उसके बाद आपका काला है, अटाकामा, एरिजोना, इस तरीके के जो मरुस्थल हैं वो पाए जाते हैं। और भूमध्य सागरी मैंने आपको बताया था, भूमध्य सागर के आसपास चीन तुल्य, इधर चीन वाले आसपास वाले एरिया में मुख्य रूप से। तो ये है जलवायु का वर्गीकरण, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, घर पर रहें सुरक्षित।